शराब और भारत, ये बात भगवान बुद्ध ने बहुत पहले बताई हुई है कि चाहे कम कैसा भी हो, कार्य कैसा भी हो, अगर आपको उसकी आदत पड़ गई है तो वो रोग में बदल जाता है। चाहे पैसा कमाने का कितना भी अच्छा काम हो, अगर उसकी आपको आदत पड़ गई और बिना पैसा कमाए आप नहीं रह सकते हैं तो आप बीमार हो गए। तंबाकू अगर आप खाते हैं और उसको खाने की आपको आदत पड़ गई तो आप बीमार हो गए। शराब अगर आप पीते हैं और शराब पीने की आपको आदत पड़ गई तो आप बीमार हो गए। दूध अगर आप पीते हैं और दूध पिए बिना आपको रात को नींद नहीं आती है तो आप बीमार हो गए, आपको राग हो गया, आप प्रमादी हो गए। अगर आपको बिना प्रेस के कपड़े पहने अच्छा नहीं लगता, बाहर जाने में आपको बेचैनी और महसूस होती है तो आप प्रेस के कपड़ों के बीमार हो गए। अगर आपको खाने में रोज दही चाहिए और दही आपको नहीं मिले तो आप अंदर से परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो आप दही के बीमार हो गए। अगर आप बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते समय आपके बाल कड़े हुए नहीं है और बाल बिल्कुल सेट नहीं है तो आप बालों के बीमार हो गए। यानी कि जिस चीज की भी आदत पड़ जाती है वो आदत बीमारी का कारण बन जाती है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया। और ये मन और जो रूप है, यानी कि जो हमारा शरीर है और जो हमारा माइंड है, मन है, वो इस पे काम करता है, ये उन्होंने अच्छी तरह से देखा, भाला और चेक किया। जिस घर में हम रहते हैं उस घर की हमें आदत पड़ जाती है तो जब घर से जाते हैं तो वो दुख होता है। कोई पेन हमारे पास रहता है, वो रहते रहते उससे लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो वो जब जाता है तो दुख हो जाता है। माँ बाप अगर हमारे साथ रहते हैं या बच्चा रहता है, कोई माँ बाप अगर अचानक चले जाएं तो उनका दुख होता है। जितने ज्यादा लगाव उतना ज्यादा दुख, जितना ज्यादा रिपीटेशन है उतनी ज्यादा लगाव। शराब की, गुटके की, अफीम की, चरस की, गांजे की या सिगरेट की जो आदत है वो आदत एक बार में नहीं पड़ती, बार बार में पड़ती है जब उसका रिपीटेशन होता है या उसको बार बार दिखाया जाता है, या तो टीवी में या वीडियो में या अखबार में या मैगजीन में या फिल्म के अंदर। जब कोई हीरो और हीरोइन बड़ी स्टाइल में सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो वो हमें उकसाता है, वो हमें बार बार कहता है कि आप भी इसको देखो, आप भी इसको सुनो, आप भी इसको चखो, आप भी इसको करो। कोरोना के अंदर इतने दिन से लॉकडाउन में लोगों को शराब नहीं मिली, कुछ शांत हो गए, कुछ फड़फड़ाए और कुछ जुगाड़ में लग गए। जो जुगाड़ में लग गए वो जितना भी महंगा कपड़ा, जितनी भी महंगी शराब उनको मिल सकी या जैसे भी मिल सकी, किसी से दान में मिल गई, भीख में मिल गई या ज़्यादा महंगी मिल गई या उधार में मिल गई, उन्होंने अपना जुगाड़ किया। कुछ लोग जो फड़फड़ाते रहे वो फड़फड़ाते रहे, उनकी फड़फड़ाहट शांत हो गई, क्योंकि जैसे जैसे उनके माइंड में ये बात आ गई कि अब नहीं मिलेगी शराब तो उनका माइंड शांत हो गया। और कुछ लोगों ने इसको अच्छा मौका समझ के कहा कि चलो जान छूट गई हमारी, तो अब हमें ना गुटखा, ना शराब, ना चरस, ना अफीम, ना गांजा, ये चाहिए ही नहीं, तो मुक्त हो गए इससे। मगर अफसोस की बात यह है कि इसके पीछे जो सरकारी तंत्र है, यानी जो देश चलता है, देश की इकोनॉमी इसके ऊपर आधारित की हुई है लोगों ने। तो जहर के ऊपर जो देश की इकोनॉमी ली हुई है, ये देश में चारों तरफ जहर बढ़ने का जो तरीका है और जो सिस्टम बना हुआ है अनंत, वो लोगों को मार रहा है। कैसी कमाल की बात है कि अपने लोगों को ही बचाना है और अपने लोगों को ही शराब पिलानी है और उनसे पैसा लेना है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि जितने ऐसे देश हैं दुनिया के अंदर जहां शराब बैन है, शराब नहीं पी जाती, उनकी भी आर्थिक स्थिति चलती है, उनको भी पैसा मिलता है, उनका भी काम चलता है, तो वो कोई तरीका हो सकता है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे जिन घरों में मियां बीबी दोनों नौकरी कर रहे हैं तो उनकी एक ही नौकरी को खत्म किया जा सकता है, एक सैलरी बचेगी, वो गरीबों के काम आ सकती है। या 15 दिन का काम लगाया जा सकता है कि भाई परेशानी है तो 15 दिन का काम करें, 15 दिन की सैलरी ले लें, या सैलरी में कट हो सकता है या इमरजेंसी कट हो सकता है। मगर शराब बेचना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि शराब बेच के अगर पैसा लेंगे और शराब बेच के अगर देश को चलाएंगे या तनख्वाह देंगे तो बेसिकली तो खून निकाल के खून देने वाली बात हुई। बड़ी मुश्किल से तो ये छूटी, क्योंकि इतनी मुश्किल से लोगों ने कितने शराब छुड़ाने के प्रोग्राम बना रखे हैं। बीमारी देश से जा रही थी, जल्द चली जाती अच्छा था, ऊपर से कोरोना फैलेगा वो अलग फैलेगा। तो जितने भी अच्छे लोग हैं वो इस बात के लिए बड़े परेशान हैं कि भाई शराब बंद ही हो जाए, गुटखा बंद ही हो जाए, नशा बंद ही हो जाए। तो भगवान बुद्ध का जो वो सूत्र है, सुरा मेरे मज्जे पमादिठाना वीरमणि, वो पूरा हो जाएगा और देश में नाम हो जाएगा पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का नाम हो जाएगा इसमें कि भाई भारत ने कोरोना में कम से कम एक बुराई छोड़ दी। बेशक थोड़ी कठिनाई आई, परेशानी आई, मगर एक बुराई छोड़ दी। और ये बुराई, हजार इतने लोग कोरोना से नहीं मरते जितने शराब से, अफीम से, गांजे से, चरस से मर जाते हैं, और जवान जवान मरते हैं। तो कोरोना से तो मौत बूढ़ों की होती है, मगर शराब, अफीम, चरस, गांजे से तो जवान बच्चे मरते हैं। तो अपने जवानों को बचाने के लिए अगर हो सके तो सुरा मेर मज्जे पमादिठाना वाले सिद्धांत पर चलते हुए, क्योंकि ये बुद्ध का देश है,
बुद्ध ने उसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, यहाँ के लोगों को पढ़ाया है, दुनिया सीख गई हमसे, उन्होंने अपने यहाँ शराब बंद कर दी। दुनिया के बहुत सारे देश शराब नहीं पीते, मगर हम बुद्ध का देश होते हुए, हम शराब का निषेध करने वाले होते हुए भी शराब को बेचने पे मजबूर हो गए। उपाय और भी हो सकते हैं, जहर ना बेचा जाए, जहर बेच के अगर जान बचाई जाए तो बेहतर है कि जान चली जाए मगर जहर ना बेचा जाए, नौजवान तो बच ही जाएंगे। धन्यवाद। Shut up.